ट्विस्ट करते हुए मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को समझाना जा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आपको डेफिनेशन से कुछ लेना देना होता नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो वो पूछ लेता है कई बार कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है। तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द गिवन कंपाउंड इनटू ए ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉल्ड इट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। मीन्स ये बोल रहा है कि किसी भी कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ध्यान रखना, ओपन चेन बोले तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, सैचुरेटेड बोले तो जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड ही हो, केवल कोई दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, और हाइड्रोकार्बन बोले तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड, तो वो आपको कन्वर्ट करना है कोई भी कंपाउंड। और उसको कन्वर्ट करने के लिए जितने मुझे यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो ही क्या कहलाएगी, उसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहलाएगी। तो देखते हैं, आपको समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू। लाइक मैंने जैसे आपसे बोला कि मेरे पास है CH2 डुअल बॉन्ड CH2, ये अपने पास इथाइलीन है, इथीन भी बोलते हैं भैया इसको, ये अपने पास इथाइलीन है, और इस इथाइलीन को अगर मैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओपन चेन के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाना पड़ेगा। ये आपका इथेन बना या फिर नहीं बना बच्चों, ये इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? पहली चीज़ तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये आपका अनसेचुरेटेड था, ठीक है, ये आपका अनसेचुरेटेड था और ये आपका क्या है, सैचुरेटेड। जो आपके पास सिंगल बॉन्ड को कंटेन करते हैं कंपाउंड्स वो सैचुरेटेड होते हैं, दूसरी ओर जो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड जिनके पास होते हैं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर डिफरेंस नज़र आया। दूसरी ओर अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने यहाँ पर दो हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड किया है, मैंने बोला दो हाइड्रोजन नॉट टू H2 यूनिट, लेकिन इसने बोला है कि नंबर ऑफ H2 यूनिट रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो H2 यूनिट का मतलब यहाँ पर ऐसे ही होगा ना, तो यहाँ पर बच्चों एक H2 यूनिट का मुझे यहाँ पर एड ऑन करना पड़ा, एक इथाइलीन को इथेन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी या फिर नहीं पड़ी, बिल्कुल पड़ी है। तो इसीलिए इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 1। जितने भी H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, वो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। समझ में आ रही बात? आप पीछे बैठिए, ये वाले स्नेहा कहाँ देख रही है, पीछे आराम से बिल्कुल, अरे नहीं उधर की साइड, ठीक है। मैंने बोला CH ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका CH, बताइए जरा कि अगर मुझे यहाँ पर ये ओपन चेन अनसेचुरेटेड बनाना है तो मेरे पास यही बनेगा। इसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन है 2 और इसके अंदर है 6, बताओ कितने हाइड्रोजन का यहाँ पर डिफरेंस है, 4 का, और 4 का डिफरेंस है तो अपन यहाँ पर 2H2 यूनिट बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 2, कितना होगा बच्चों, 2 होगा। समझ में आ रही बात? ऐसे भी आप किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या कर सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपसे साइक्लोब्यूटेन का, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, एज यू नो दैट यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पर भी CH2, ये आपकी क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन मुझे बनाना है ओपन चेन, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का अगर आप यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये अपना CH3, बिकॉज कहीं से भी आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा और दूसरा हाइड्रोजन वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर लगेगा।
इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 1। वो आप काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना है, 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी, जितनी भी H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट उतना ही उसका डबल बॉन्ड होता है। ओके, समझ में आ चुका। फिर भैया ऐसे कब तक चलेगा भाई, आपको बहुत सारे कंपाउंड, बड़े बड़े कंपाउंड्स दे दें, आप तो उनमें गिनने में लग जाओगे कि भाई कितने H2 यूनिट की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे पड़ रही है। तो इसके लिए कोई ना कोई शॉर्ट वे है, कोई अल्टरनेट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है फाइंड आउट करने के लिए। तो मेरा उत्तर है, मेरा आंसर है कि यस, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसी टाइप से। कुछ आपके पास फॉर्मूला हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के, जिनसे आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं और जानते हैं। ओके, इसको एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया, अच्छा ठीक है भैया। अब हम वापस जाते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। ये अपने पास 3 फॉर्मूले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के। पहला जो अपने पास फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस के रिंग। जितने भी कंपाउंड के अंदर पाई हैं और जितने आपको रिंग नज़र आ रहे हैं उनको काउंट कर लीजिएगा, आपके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वही होगा। समझ में आ चुकी है बात। दूसरी चीज़, आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला क्या है, C प्लस के N, 1। C बोले तो कार्बन का नंबर, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, माइनस के H प्लस के X, X का मतलब यहाँ पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो से है, माइनस के नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। तो आप ये सेकंड फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा जो फॉर्मूला होगा, जैसे मेरे पास कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर है, प्रिज्म है, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस माइनस के नंबर ऑफ बॉक्सेस से आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जाओगे। अब क्यों जाओगे वो तो हम खैर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन बेंजीन का। सभी जानते होंगे कि अपने पास जो प्यारी प्यारी बेंजीन होती है, प्यारी प्यारी बेंजीन होती है, उसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो यही होता है। सभी जानते होंगे इसको तो, हाँ जी। इसको नहीं जाना तो केमिस्ट्री में क्या जाना, रसायन शास्त्र में आपने क्या जाना अगर इसको नहीं जाना तो। तो अपन जानते हैं कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। सभी अल्टरनेटिव पोजीशन पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड लगे होते हैं, और ये अपनी स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। जरा बेंजीन के अंदर अगर मैं पहला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाऊं, तो मेरे को यहाँ पर एक तो नज़र आ रही है यहाँ पर रिंग, और साथ में मुझे 3 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, मीन्स आपका 3 है पाई। तो टोटल आप कैलकुलेट करने जाओगे तो टोटल आपके पास कितने हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, निकल के आया आपका 4। कितना निकल के आया बच्चों, 4। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकल के आया 4। दूसरी चीज़ ये तो हो गया कि पहले वाले फॉर्मूले से मुझे कैलकुलेट करना आ चुका है। सेकंड जो फॉर्मूला होगा आपका C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दी गई है तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन कर रखा होगा, तो उससे कैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए अपने सेकंड फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसके लिए सॉरी, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वेंस, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, उसके लिए सॉरी हमें दिल से। तो अपन बता रहे थे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला था ये है। दूसरा जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो आपका कार्बन का नंबर कितना है, 6। एज यू नो दैट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन कार्बन हैज 6 इन नंबर, 6 प्लस 1 माइनस के हाइड्रोजन भी कितने देख रहे हैं आपको, 6। ना तो आपका एक्स है ना आपका एन है, डिवाइड किया मैंने 2 से, तो अपन इसे कैलकुलेट करने जाओगे तो 7 माइनस के 3 कितना बनेगा आपका, 4। तो दोनों चीज़ें सिमिलर आ रही हैं नहीं आ रही हैं, अभी डिपेंड करता है कि वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है या फिर उसकी स्ट्रक्चर देता है। अगर स्ट्रक्चर देता है तो आप सीधा यहाँ पर पाई और रिंग को कैलकुलेट करिए, आपके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर वो आपसे बोलता है, क्या बोलता है कि वहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन कर रखा है तो आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए रख रहा हूँ जिनके अंदर आपको
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके लिए कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ यहाँ पे जिनके अंदर आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बोल रहा हूँ नेफ्थलीन के अंदर, अपन नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन अपने पास क्या होता है, यही होता है, ठीक है। ये बेंजीन दोनों ऐसी इस टाइप से, इसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए। दूसरी चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, एक ले लेते हैं हम साइक्लो ब्यूटीन ले लेते हैं, ठीक है, साइक्लो ब्यूटीन ले लेते हैं लाइक दिस वन, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा दिए, इसके अंदर कैलकुलेट करिए आप, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड ट्वेल्व बॉन्ड इस टाइप से, ये तीन कंपाउंड है, इनके अंदर आपको कैलकुलेट करना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपने पास यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, दो तो आपके पास रिंग है और सिंपल आपके पास फाइव यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको, पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पर टोटल निकल के आएगा सेवन। दूसरी चीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C10H8, इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बिकॉज हम जानते मानते और पहचानते हैं कि 10 प्लस के 1 माइनस हाइड्रोजन का नंबर कितना, 8 डिवाइड बाय 2 तो निकलेगा आपका 4, 11 में से 4 जाएं तो कितना बचेगा आपका 7, सही बात है। इसके अंदर आप रिंग कितनी देख पा रहे हो, दो तो आपके पास पाई है और एक क्या है अपने पास रिंग, तो टोटल कितना निकलेगा यहाँ पर 3। दूसरी चीज यहाँ पर एक रिंग है आपकी और एक क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, तो कितना बन गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2। सोचने वाली बात ही नहीं है कि भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, बिल्कुल होगा भैया, बस आपको पेशेंट रखना है, क्या रखना है, पेशेंट रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा अब हम लाइक में एक प्रिज्म ले रहा हूँ, ठीक है, प्रिज्म लेने का प्रयास करते हैं, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है मेरे लिए तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी, सच बता रहा हूँ जान से निकल जाती है, ठीक है। हो मैं ही जानता हूँ कैसे कैसे इनको ड्रॉ करता हूँ, यही मेन चीज़ है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो बायोलॉजी में बहुत ही कम है, किस में बहुत ज़्यादा कम है, बायोलॉजी के अंदर बहुत कम है मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। और अब भी ये रॉन्ग ही बना है, थोड़ा सा कहते नहीं कि स्ट्रक्चर बनाने में मैं कैसे कैसे कंपेयर कर रहा हूँ भैया, मुझे ही पता है, ठीक है। अपन अब ज्वाइन करते हैं चीज़ों को, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब भी सही नहीं बना लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा आप उनको, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये बन गया आपके पास प्रिज्म, प्रिज्म है कोई ऐसी चीज़ मेरे पास जो प्रिज्म लाइक हो, नहीं है, ग्लोब तो दिख रहा है मुझे, ये ग्लोब दिख रहा है, लेकिन ग्लोब का तो कैसे निकालेंगे भैया, इसका ग्लोब निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकल सकता है, नहीं ना भैया, इसका कैसे निकालेंगे अपन, नहीं ना, हाँ तो ऐसा कोई देखते हैं प्रोडक्ट नज़र में आ रही है वो चीज़, चलो एक बुक ही ले लेते हैं, वैसे प्रिज्म है नहीं, रेक्टेंगुलर है ये, तो क्यूब है, क्यूबॉइड है, यहाँ से मैंने कट किया, ये बुक है अपने पास और बुक को मैंने यहाँ से कट किया ऐसे ही हूँ बीच में से बिल्कुल, ठीक है, इधर वाला पोर्शन अलग हो गया, इधर वाला पोर्शन अलग हो गया, या फिर आपके पास कोई रूम है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, जंगल में तो नहीं बैठे ना भैया, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं उस रूम को कट कीजिए ऐसे ही हो, डायगोनली कट किया, दो पार्ट्स के अंदर कट हो गया, ठीक है, तो इधर वाला पार्ट अलग है, इधर वाला पार्ट अलग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भैया इसके अंदर आपको फेस काउंट करने आने चाहिए, भाई देखो आपने ऐसे कट किया, आपके पास कोई रूम है लाइक दिस वन, ठीक है, अरे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चलो समझ रहे होंगे, विजुअल कर रहे होंगे चीज़ों को, तो मेरे पास देखो इसके अंदर 5 फेसेस हैं, कितने फेसेस हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आपका ये वाला और एक
भाई एक तो आपका ये वाला हो गया ऊपर का, एक नीचे हो गया, एक इधर की साइड हो गया और एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, मतलब तीन ही तो ये हो गए आपके, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो फेसेस कितने हो गए यहाँ पर? फाइव फेसेस, पांच तो हो गए यहाँ पर फेसेस। माइनस के नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं आपके? वन ही बॉक्सेस है ना भाई, वन ही तो स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कौन सा निकलेगा आपको? फोर। कितना निकलेगा? फोर। वैसे आप यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी के संग भी जा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि सभी जहाँ से स्ट्रक्चर मुड़ रही है वहाँ पे कार्बन होंगे आपके, ऐसे यूं यूं होंगे। नहीं होंगे भाई? होंगे ना, बिल्कुल होंगे ना। हाँ जी, तो अगर यहाँ पर वैसे इसको इसका नाम क्या होता है बताना? प्रिज्मेन, ठीक है, प्रिज्मेन कहलाती है स्ट्रक्चर की आपकी, होती है प्रिज्म जैसी होती है, ठीक है। तो कार्बन आपका ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है आपका, ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। जितने आपको यहाँ पे कार्बन नज़र आ रहे हैं, 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं ना, तो अपने पास यहाँ पर इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C6H6 होता है, बेंजीन के इक्वल होता है। अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 6+K1 माइनस के हाइड्रोजन का 6/2, तो आपका निकल के कितना आएगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 निकल के आएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अभी नहीं समझ में आई, एक हम क्यूब का एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। जिसका क्यूब का, किसका भैया? क्यूब का एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। उससे पहले C4H6 का निकालिए, C4H6 निकालिए एक बार, C4H6 का निकालिए। आप कैसे निकाल पाओगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है आपको। हाँ जी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला आपने तो 4+K1 -6/2 कितना होता है? 3। यहाँ पर आपका 2 ही निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। अब 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 पाई हो, या फिर 2 रिंग हो, या फिर आपका 1 पाई 1 रिंग, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ना। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे आपको यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। भैया मैंने बोला आपसे कि मेरे पास C4H6 का जो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकला है वो निकला है आपका 2, और इस 2 का मतलब है आपके पास कि मेरे पास 2 रिंग हो, 2 पाई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 पाई और 1 क्या हो यहाँ पर रिंग हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अगर 2 पाई हो, 2 पाई का मतलब क्या है कि मेरे पास कंपाउंड ये पॉसिबल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये पॉसिबल है या फिर नहीं है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास अब ये बैक टू बैक भी मिल सकते हैं, लाइक दिस वन CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड आपका CH, इधर की साइड आपका CH3, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, हो सकता है ना। हाँ, ये आपके एल्कीन वाली कंडीशन होगी, डाई एल्कीन समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें आपके 2 बार डबल बॉन्ड का यूज किया जा रहा है। अच्छा, तीसरा आपका ट्रिपल बॉन्ड का यूज हो सकता है, लाइक मैंने बोला जैसे कि CH आपका 3 हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो ये बन गया। फोर्थ आपका ये भी पॉसिबल हो सकता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये किससे? आपका एल्काइन से। ये तो हो गया आपका कि पाई से आप कौन कौन सी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये 4 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, किसकी बात करें अपन, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास C4H6 है ना,
इसी का डेवलपमेंट इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की, एक पाई और एक रिंग, मतलब एक पाई और एक रिंग वाली की बात करें। अच्छा, एक पाई और एक रिंग का मतलब ये है कि मेरे पास सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और यहाँ पर आपका सी एच हो जाए, इधर की साइड भी आपका सी एच हो जाए, और ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, लग गया। ऐसा भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ये आपकी पहली स्ट्रक्चर बन चुकी है। दूसरी स्ट्रक्चर मुझे बना सकते हो, बता सकते हो, जहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका वन पाई वन रिंग बन रहा, नहीं बन रहा है, दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, थोड़ा आइडिया लगाइए। हाँ, अब मैं यहाँ पे पेरेंट चेन तीन की मान सकता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर सी एच है, यहाँ पर आपका सी एच हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका सी एच हो गया, सिंगल बॉन्ड ऐसे, और ऊपर जोड़ दिया मैंने यहाँ पर सी एच थ्री। बिल्कुल बन सकता है ना, बन सकता है, नहीं बन सकता है, बन सकता है ना। हाँ, और क्या बन सकता है? अच्छा, डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे घुमा दूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, तो मेरे पास अलग स्ट्रक्चर बनेगी। तो तीसरा कंपाउंड आपके पास ये पॉसिबल है। मैंने केवल और केवल यहाँ पर ऐसा किया है कि सी एच, यहाँ पर आपका सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच और डबल बॉन्ड इस बार यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन आपका हटाना पड़ेगा मुझे, एक हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन वो पूरा हट रहा है, मानता कहाँ भैया तू, यहाँ पे मैंने सी एच नहीं, और अरे नहीं सी एच नहीं 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे और ऊपर आपका सी एच थ्री ऐसे लगेगा, होगा नहीं होगा। ये तीन कंपाउंड के अलावा चौथा भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है, वो देखिए जनाब कैसे पॉसिबल होगा। मैंने चौथा जो कंपाउंड बनाया एक पाई और एक रिंग का, वो अपना ऐसे होगा सी एच टू, डबल बॉन्ड के संग यहाँ पर सी, इधर की साइड आपका सी एच टू, सिंगल बॉन्ड आपका सी एच टू, ये पॉसिबल होगा नहीं होगा? अच्छा यार, ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पर वन पाई और वन रिंग होगा। समझ में आ चुकी है बात? कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। अब वो वाली कंडीशन भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। कौन सी वाली? जहाँ पर आपका दो क्या हो, रिंग हो। अब दो रिंग में तो सिंपल आपका ऐसे ही होगा ना, कितने हैं, चार कार्बन, और चार कार्बन का एक क्या बनता अपने पास, क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड, बिकॉज बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसे तो होगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड ये, ठीक है, जहाँ पर एक रिंग ये, दूसरी रिंग ये, इनमें दो कार्बन, बोली तो एक फेस दोनों रिंग्स के लिए कॉमन होता है, ये वाला फेस है जो ये दोनों रिंग के लिए कॉमन है, ये बाईसाइक्लो होता है। अगर कोई सिंगल कार्बन दोनों रिंग्स के लिए अगर कॉमन होता है तो वो उसका क्या होता है, स्पायरो कंपाउंड कहलाता है। बिकॉज स्पायरो को बनाने के लिए मुझे मिनिमम फाइव कार्बन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यहाँ पर स्पायरो पॉसिबल नहीं है, केवल और केवल बाईसाइक्लो कंपाउंड ही पॉसिबल है। सो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 से अपने पास जो पॉसिबल स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, फोर तो यहाँ पे, फोर यहाँ पर और वन यहाँ पे, तो टोटल नाइन स्ट्रक्चर यहाँ से इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पॉसिबल है। समझ में आ चुकी है बात आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बढ़े भैया, नहीं वो बताने वाली बात नहीं है, ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन एज सच कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, बता ही देता हूँ। चलो कोई नहीं, आप पूछ रहे हो एक बार।